चलिए तो अब नेक्स्ट सीखते हैं कि किस तरह से हम NFA से DFA बना सकते हैं। ये मैंने क्या NFA बनाया हुआ है, बल्कि हम इसको एप्सिलॉन NFA भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी हुआ है। ठीक है, तो अब NFA से DFA बनाने की बात करूं, चाहे मैं एप्सिलॉन NFA से DFA बनाने की बात करूं, एक ही बात है। यहां पर कई बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से बताया गया होगा, इनमें से मैं एक दो तरीके आपको बताता हूं, आपको जो भी अच्छा तरीका लगे आप उसमें से अडॉप्ट कर लीजिएगा। पहले मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं कि किस तरीके से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार डायरेक्ट कन्वर्ट करने में आप कुछ स्टेप्स हो सकता है मिस कर दे, इसलिए फिर मैं आपको एक एल्गोरिदम बताऊंगा। छोटे केसेस में तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि जो मैं स्टेप्स आगे बताऊं आप उनको फॉलो करिए ताकि आपका जो एक्यूरेट आंसर आ जाए। ठीक है, तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक हमें ये NFA दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका इक्विवेलेंट DFA कौन सा होगा। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप हिट एंड ट्रायल से भी आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शंस को रिजेक्ट करके कि कौन सी स्ट्रिंग ऐसी है जो NFA में एक्सेप्ट हो रही है लेकिन DFA में एक्सेप्ट नहीं हो रही है। क्योंकि अगर इक्विवेलेंट NFA है और DFA है, इसका मतलब जो लैंग्वेज ये NFA एक्सेप्ट करेगा वही लैंग्वेज DFA भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जो मैंने आपको अप्रोच बताई थी उसी तरीके से हम करेंगे स्टार्ट। तो पहले तो हम इनिशियल स्टेट को तो एज इट इज बनाएंगे ही, Q0। तो Q0 हमारी इनिशियल स्टेट होगी और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम ये मानते हुए चलते हैं कि पहले हमारी ये एक सिंगल स्टेट थी, अब ये सेट ऑफ स्टेट्स को हम मर्ज करके DFA बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस से लिखना चाहिए हमें। इसका रीजन क्या है फिर से मैं बता देता हूँ। इसका रीजन ये है कि जब हम NFA बनाते हैं तो हमारे NFA में हम एक स्टेट के लिए एक सर्कल बनाते हैं, लेकिन यहां पर जो हम एक सर्कल बनाते हैं ये सेट ऑफ स्टेट्स के लिए होता है और सेट को हम कर्ली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास इनपुट अल्फाबेट A और B है, हम सिर्फ A और B के बारे में सोचेंगे, एप्सिलॉन ट्रांजिशन हम DFA में नहीं बनाएंगे, उनको कंसिडर करेंगे लेकिन उसको हम DFA में नहीं बनाएंगे क्योंकि DFA में एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर Q0 से A मिलेगा तो वो किस स्टेट पे जाएगा, हमें ये सोचना पड़ेगा। तो हम पहले देखते हैं कि यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर अगर हम Q0 से अगर A सिंबल मिलेगा तो हम Q1 स्टेट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या Q0 से कोई और रास्ता है A के लिए, नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां से Q1 से एम्प्टी स्टेट पे भी हम Q2 पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि अगर मैंने A इनपुट स्ट्रिंग ली तो मैं Q1 पर भी जा सकता हूं और Q2 पर भी जा सकता हूं, क्योंकि यहां पर Q1 से Q2 जाने के लिए कोई भी स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि Q0 से अगर मुझे A इनपुट मिला है तो मैं Q1 पर भी जा सकता हूं और Q2 पे भी जा सकता हूं। अब क्योंकि मैं Q1 पर भी जा सकता हूं और Q2 पे भी जा सकता हूं, इसका मतलब मुझे इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर देना चाहिए और एक सिंगल स्टेट बना देनी चाहिए। तो मैं यहां पर एक सिंगल स्टेट बना देता हूं और इन दोनों को Q1 Q2 को मर्ज कर देता हूं। तो Q1 Q2 को हमने मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना दी और यहां पर अब ये सिंगल ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो गया। अब हम सोचते हैं कि B के लिए क्या होगा। तो यहां पर देखिए Q0 से B के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन DFA में हमें ट्रांजिशन बनाना पड़ता है, तो हम एक डेड स्टेट बना देंगे B के लिए। हम एक B के ट्रांजिशन से एक डेड स्टेट बना देते हैं, या फिर हम उसको एम्प्टी से भी डिनोट कर सकते हैं कि हम B ट्रांजिशन लेकर एक एम्प्टी स्टेट पे पहुंच गए, ये भी एक स्टेट हो गई हमारी। यहां पर एम्प्टी को कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखा जाता है क्योंकि वो एक एम्प्टी खुद में एक स्टेट होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर अब देखते हैं कि हम Q1 पर अगर है तो Q1 से हमें A इस इनपुट मिलेगा तो हम कहां जाएंगे, Q1 पर ही रहेंगे। तो Q1 से हमें एक इनपुट मिलेगा तो हम Q1 पे ही रहेंगे, और Q2 से भी हमें अगर इनपुट A मिलेगा तो हम कहां जाएंगे। तो यहां पर भी अगर हमें A इनपुट मिलेगा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं गिवन है, तो हम चाहे तो उसी स्टेट पर भी रह सकते हैं। मतलब Q1 और Q2 दोनों के लिए हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमारे पास Q1 Q2 का कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है, मतलब उन दोनों को मर्ज करके हमने एक स्टेट बना दी है। तो इसका मतलब कि अगर हमने Q1 से हमारे पास A आएगा तो हम Q1 पे ही रहेंगे, और Q2 से हमारे पास A के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, मतलब हम चाहे तो उस पे भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास इसका मतलब ये आया कि अगर हमारे पास इनपुट A आया तो हम उसी स्टेट पर रह जाएंगे। अब हमारे पास देखिए Q0 स्टेट के लिए हमारे पास A आ गया, B आ गया, और Q1 Q2 के लिए हमारे पास A स्टेट आ गया। अब अगर यहां पर B मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा। तो देखिए Q1 से B के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, Q1 से B के लिए कुछ नहीं दिया, तो एक तरीके से मैं ये मान सकता हूं कि Q1 से मैं Q2 पे पहुंच गया और फिर Q2 से मुझे B मिला तो मैं Q0 पे पहुंच गया।
इसका मतलब कि Q1 या Q2 दोनों में से किसी पर भी अगर मुझे B मिलेगा तो मैं कहां चले जाऊंगा, Q0 पे चले जाऊंगा। तो इसका मतलब कि Q1 Q2 से अगर मुझे B मिलेगा तो मैं यहां पर Q0 पे चले जाऊंगा। तो मेरे पास इसके लिए A का भी रास्ता आ गया और B का भी रास्ता आ गया। यहां पर Q1 Q2 से A के लिए भी मिल गया ट्रांजिशन और B के लिए भी मिल गया। अब यहां पर अगर मैं आ गया तो यहां पर अब क्योंकि डेड स्टेट है तो इसका मतलब इस यहां पर अब मुझे कुछ भी मिल जाए ए और बी, मैं यहीं पर ही रहूंगा। तो इस तरीके से ये हमारा एनएफए था और ये हमने डीएफए में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी एक से ज्यादा ट्रांजिशन नहीं है किसी एक सिंबॉल के लिए, इनपुट सिंबॉल के लिए, और ना ही यहां पर हमारे पास एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट एनएफए से डीएफए बना सकते हैं, लेकिन यहां पर सोचने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया था इसलिए इजीली हो गया, लेकिन कोई अगर बड़ा एग्जांपल आएगा तो वहां पे आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम जाएगी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है, आपको डीएफए के डायग्राम्स गिवन है और उसमें से आपको पिक करना है कि कौन सा वाला सही होगा, तो एक तरीका मैंने आपको वहां पर बता दिया कि आप ऑप्शंस को रिजेक्ट करना सीखिए, देखिए कि कौन सी लैंग्वेज है जो हमारा एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन डीएफए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो हमें रिजेक्ट करना है और इस तरीके से हमें सही आंसर निकालना होगा। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इसकी एल्गोरिदम क्या है जिससे कि हम बिल्कुल सही डीएफए क्रिएट कर सकेंगे। तो उसके लिए पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा एनएफए के लिए, हमें एनएफए के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। चाहे तो आप टेबल बना दीजिए या फिर आप ट्रांजिशन फंक्शन लिख दीजिए, ट्रांजिशन फंक्शन लिखकर भी आप कर सकते हैं लेकिन टेबल बना के थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हम पहले यहां पर लिखेंगे कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, पहले कॉलम में हम सारी स्टेट्स लिख देंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स हैं एनएफए में, Q0 स्टेट है, Q1 स्टेट है और Q2 स्टेट है। फिर यहां पर हम इनपुट सिंबल जितने होंगे उतने हम कॉलम बनाएंगे। यहां पर हमारे पास क्योंकि दो ही इनपुट सिंबल है ए और बी, तो हम यहां पर सिर्फ दो ही कॉलम बनाएंगे, अगर इससे ज्यादा होते तो हम ज्यादा कॉलम बनाते। तो हम यहां पर ट्रांजिशन लिखेंगे कि हमारा ट्रांजिशन कोई एक स्टेट मान लीजिए Q से अगर हम A इनपुट लेते हैं तो हम कहां पे जाते हैं, और अगर हम ट्रांजिशन Q से B इनपुट लेते हैं तो हम कहां जाते हैं। तो यहां पर हम स्टेट्स की लिस्ट कर देंगे जो कि हमारे पास NFA पे गिवन है। हमें NFA में कितनी स्टेट्स गिवन है, Q0, Q1 और Q2। तो यहां पर हम स्टेट्स लिख देंगे Q0, Q1 और Q2। अब हम यहां पर लिखेंगे कि Q0 स्टेट से अगर हमें A इनपुट मिलता है तो हम किन स्टेट्स पे जा सकते हैं, उनका सेट हम यहां लिखेंगे, और Q0 स्टेट से अगर हमें B इनपुट मिलता है तो हम किन स्टेट्स पे जा सकते हैं वो यहां लिखेंगे। उसी तरह से Q1 स्टेट से अगर हमें A इनपुट मिलता है तो कहां जा सकते हैं वो यहां लिखेंगे, और उसी तरह से B के लिए। तो हम NFA को देखकर ये वाला ग्राफ, ये वाला टेबल फिल करेंगे। इस टेबल को हम NFA को देखकर फिल करेंगे। अभी आप इसको मत देखिए, ये हमारे पास गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ NFA गिवन है और उसको देखकर हम ये टेबल फिल कर रहे हैं। तो हम देखिए Q0 पे जब मुझे A मिला, Q0 पे जब मुझे A मिला तो मैं Q1 पे पहुंच गया, और या फिर empty string से हम Q2 पे भी पहुंच गए। तो इसका मतलब कि अगर मुझे Q0 से A इनपुट मिलेगा तो मैं Q1 पे भी जा सकता हूं और Q2 पे भी जा सकता हूं। इसका मतलब कि Q1 पे भी जा सकते हैं और Q2 पे भी जा सकते हैं। Q0 से अगर मुझे B मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा, तो Q0 से B के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि हम किस स्टेट पे पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, तो उसको हम phi से डिनोट कर देंगे। उसके बाद Q1 से, Q1 से मुझे A अगर A मिलता है तो मैं कहां जाऊंगा, तो Q1 से अगर मुझे A मिलेगा तो मैं यहीं पर ही रहूंगा, Q1 पे ही रहूंगा, और या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि Q2 पे पहुंच जाऊंगा क्योंकि यहां पर तो empty string है। तो मैंने A लिया इनपुट, Q1 पे ही रहा और फिर Q2 पे चला गया, तो भी इसका मतलब कि मैं A ही इनपुट लिया है। तो इसका मतलब कि Q1 इनपुट लेने पर हो सकता है कि मैं Q1 पे ही रहूं, हो सकता है मैं Q2 पे चला जाऊं। अब Q1 से अगर मुझे B मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा, Q1 से B मिलने के लिए हमें क्या हो सकता है कि मैं Q2 पे जाऊं और Q2 से फिर Q0 पे चले जाऊं। अगर मुझे Q1 पे अगर B मिलता है तो Q1 से हो सकता है मैं Q2 चले जाऊं। ये चीज थोड़ी सी एप्सिलॉन ट्रांजिशन में ध्यान रखने वाली है कि Q1 पे अगर मैं हूं तो Q1 और Q2 यहां पर दोनों एक ही मतलब है। क्यों, क्योंकि यहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब मैं चाहे Q1 पे खड़ा हूं चाहे Q2 पे खड़ा हूं एक ही बात है। तो अगर मेरे पास Q1 के लिए ट्रांजिशन नहीं है तो मैं Q2 पे जाके देख लूंगा। तो हमने Q1 से गए Q2 पे और Q2 से मुझे ट्रांजिशन मिल गया B के लिए Q0 पे। इसका मतलब कि Q1 से अगर मुझे B मिला तो मैं यहां पर Q0 पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद Q2 पे अगर मैं हूं, Q2 पे अगर मैं हूं और मुझे A मिला तो मैं कहां जाऊंगा, Q2 पे अगर मैं हूं और मुझे A मिला तो यहां पर A के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इसका मतलब कि एम्प्टी रास्ता, एम्प्टी स्ट्रेट। उसके बाद अगर Q2 पे अगर मुझे B मिला, Q2
Q2 पे अगर मुझे B मिला तो मैं कहां पहुंच गया, Q0 पे, तो यहां पर हम पहुंच गए Q0 पे। तो ये हमारी NFA की टेबल रेडी हो गई है। अब इस टेबल से हम एक दूसरी टेबल जनरेट करेंगे जो कि हमारी DFA की टेबल होगी, लेकिन अभी हमें DFA नहीं गिवन है, मैंने ये DFA आपको डायरेक्ट बताया था। पहले हम इस टेबल को बनाएंगे और उस टेबल को देखकर हम DFA डिजाइन करेंगे। तो अब देखिए, यहां पर भी मैं वही लिखूंगा, पहले कॉलम में मैं स्टेट लिखूंगा, दूसरे में मैं ट्रांजिशन लिखूंगा ए के लिए, और तीसरे में मैं ट्रांजिशन लिखूंगा बी के लिए, ठीक है। अब पहली रो जो यहां पर लिखी है उसको तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग स्टेट होती है उसके लिए ट्रांजिशन वही रखना पड़ता है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट को आप चाहे तो एरो से लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है। तो इनिशियल स्टेट आपकी Q0 है, और फिर यहां से आप Q1 Q2 पे गए थे, और फिर 5। फर्स्ट रो को आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए बस। इसके बाद अब आपके पास कौन सी नई स्टेट आएगी ये आप इनको देखकर डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप इस टेबल में से डिसाइड करेंगे। तो यहां पर आपके पास ये एक नई स्टेट आ गई है और ये एक नई स्टेट आ गई है। तो इसका मतलब कि अब हमारे पास कौन सी अदर स्टेट होगी वो हम Q0 Q1 Q2 देख के डिसाइड नहीं करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग स्टेट हम यहां से देखकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो नई स्टेट हमारे पास आने वाली है वो इनको देखकर हम डिसाइड करेंगे, और हम इसको ऐड करते जाएंगे अलग अलग रोज में। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक नई स्टेट आ गई Q1 Q2, उसको हम उसके लिए एक नई रो ऐड करेंगे, और एक नई स्टेट आ गई 5, उसको हम अगली रो में ऐड करेंगे। और जब तक हमारे पास नई स्टेट आती जाएगी हम नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करते जाएंगे, और जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ न्यू स्टेट्स आना बंद हो जाएगी हमारी एल्गोरिदम वहां पर स्टॉप हो जाएगी, और फिर उस टेबल को देखकर हम DFA डिजाइन करेंगे। तो अब यहां पर हमारे पास Q1 Q2 एक स्टेट आ गई है, तो यहां पर हम लिख देंगे Q1 Q2 एक हमारे पास स्टेट आ गई है, और फिर एक हमारे पास 5 स्टेट आ गई है, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि Q1 Q2 से अगर मुझे A इनपुट मिलेगा तो मैं कहां जाऊंगा, उसके लिए मैं इस टेबल को रेफर करूंगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो Q1 से अगर मेरे पास A आता है तो मैं Q1 Q2 पे जाऊंगा, तो Q1 से अगर मेरे पास A मिलता है तो मैं Q1 और Q2 पे जाऊंगा, और Q2 से अगर मुझे A मिलता है तो empty है, तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास अगर Q1 Q2 से अगर मुझे A मिलेगा तो मैं Q1 Q2 पर ही रहूंगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि Q1 Q2 से अगर B मिलता है तो मैं कहां जाऊंगा, तो उसके लिए हम इस टेबल को रेफर करेंगे। तो Q1 से अगर मुझे B मिलेगा तो मैं Q0 पे जाऊंगा, Q1 से अगर मुझे B मिला तो मैं Q0 पे जाऊंगा, और Q2 पे अगर मुझे B मिला तो भी मैं Q0 पे ही जाऊंगा। इसका मतलब बस इतना ही आएगा, एक ही स्टेट आएगी। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरे पास कोई नई स्टेट आई है, तो ये जो स्टेट आई है ये तो ऑलरेडी हमारे पास प्रीवियस हमें मिल चुकी है, ये हमारे लिए नई स्टेट नहीं है, लेकिन ये जो Q0 मिली है ये मेरे लिए नई स्टेट है, ये हमारे पास एक नई स्टेट है, तो इसको भी मैं ऐड यहां पर कर लूंगा Q0। लेकिन नहीं, ये भी नई स्टेट नहीं है, ये भी हमारी इनिशियल स्टेट ही थी। तो अब हमारे पास इसका मतलब कि कोई भी इस लाइन में हमें कोई भी नई स्टेट नहीं मिली है। अब हम एम्प्टी के लिए चेक करेंगे, तो अब हमारे पास एम्प्टी के लिए तो हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं, इसका मतलब यहां पर ये एम्प्टी में ही रहेगा और यहां पर भी ये एम्प्टी में ही रहेगा, और अब यहां पर हमारे पास कोई भी नई स्टेट नहीं मिली है। तो इसका मतलब हमारे पास इतनी नंबर ऑफ स्टेट होंगी Q0 Q1 Q2 और 5, और देखिए हमने ये जो डायरेक्ट DFA बनाया था उसमें भी यही स्टेट थी Q0 Q1 Q2 और 5। अब अगर हम इससे DFA बनाएंगे तो क्या ये यही DFA बनेगा, चेक करते हैं। तो हम Q0 से A इनपुट मिलके Q1 Q2 पे जाते, Q0 से A इनपुट लेके Q1 Q2 पे जाते, बिल्कुल सही, और Q0 से अगर B मिलता तो हम 5 पे जाते, Q0 से B मिलता तो 5 पे जाते, Q1 Q2 से अगर A मिलता तो Q1 Q2 पे ही रहते, Q1 Q2 से अगर A मिलता तो Q1 Q2 पे ही रहते, और Q1 Q2 से अगर B मिलता तो हम Q0 पे चले जाते, Q1 Q2 से अगर B मिलता तो Q0 पे चले जाते, और 5 पे A मिले चाहे B मिले हम 5 पे ही रहेंगे, 5 पे A या B कुछ भी मिले हम 5 पे ही रहेंगे। तो इसका मतलब कि अब जब आप ये टेबल बना देंगे तो इसको देखकर आप ये DFA डिजाइन कर लेंगे। तो या तो आप डायरेक्ट डिजाइन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस अप्रोच को फॉलो करके आप NFA से DFA में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता ही है एग्जाम में, इस पे बेस्ड हम एक दो एग्जांपल्स और करते तो आपको क्लियरिटी और इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन ये छोटे एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गई होगी, थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ गई होगी कि किस तरह से हम NFA से DFA में कन्वर्ट करते हैं। आगे फर्दर एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा अगर इसमें कुछ भी डाउट रहा होगा तो। थैंक यू वेरी मच।